मित्रों नमस्कार, आपका फिर स्वागत है। आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस का पहुंचना पूरा चर्चा का विषय रहा। और दूसरा, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर कहा कि संसद सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और मनीष सिसोदिया को 5 दिन में सरकारी घर खाली करने को कहा है। और हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जजों की नियुक्ति बहुत ही थोक पीट कर होती है। तो शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं। राहुल गांधी को लेकर पिछले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई सितंबर से, तब से लेकर और जो 30 जनवरी को उनकी यात्रा खत्म हुई थी, और उस यात्रा के दौरान लगभग 45 दिन की यात्रा थी, सॉरी 4 महीने की यात्रा थी ये। तो इस 4 महीने की यात्रा में उन्होंने, उनकी जो परिपक्वता थी वो मजबूत हुई है। और लेकिन बीच बीच में वो ऐसे बयान देते रहे हैं जिसके कारण वो कंट्रोवर्सी में पड़े। और एक बयान उन्होंने 30 जनवरी को श्रीनगर में, जब उनका यात्रा का समापन हुआ था, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत सारी महिलाएं मिली हैं जो उनके पास रोती थी। और बताते थे कि उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, रिश्तेदार मिसबिहेव करते हैं, कुछ महिलाओं ने बलात्कार की शिकायतें की। उस बात को लेकर दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को एक नोटिस दिया था, और उसमें एक क्वेश्चनार था, क्वेश्चन थे, और पूछा गया था कि उन महिलाओं के बारे में आप जानकारी दें ताकि वो उनकी खोजबीन कर सकें और एक्शन ले सकें। राहुल गांधी की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया, तो आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लेवल का ऑफिसर IPS सागरप्रीत सिंह हुड्डा आज पूरी फोर्स के साथ राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे, और वहां उन्होंने राहुल गांधी से कुछ, जो लिस्ट उन्होंने दी थी करीबन 2 पन्ने का एक क्वेश्चनर था, वो उन्होंने पूछा। और उसके बाद राहुल गांधी ने एक 4 पन्ने का स्टेटमेंट जारी किया, राहुल गांधी की जगह कांग्रेस ने जारी किया। और जैसे ही दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, उसके बाद जो ड्रामा हुआ, तमाम मीडिया पहुंच गया, फिर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को डिफेंड किया, और कहा कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो अडानी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल न पूछें, इसके लिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी के बयान पर उसको पुलिस ने नोटिस भेजा है और पुलिस पूछताछ के लिए घर पहुंच गई है। जो राहुल गांधी ने, और मैं कहूँगी कांग्रेस ने, आज फिर एक छोटी सी एक गलती तो कर दी है। जैसे जब दिल्ली पुलिस पहुंची, सवाल जवाब हुए, 4 पन्ने का एक स्टेटमेंट इशू हुआ, तो उसके बाद एक उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, और उसमें कहा कि राहुल गांधी वीर सावरकर समझे हैं क्या, ये राहुल गांधी है। तो आपने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। वीर सावरकर इस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 11 साल जेल में बिताई, और उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया। वो कट्टर हिंदूवादी थे, लेकिन उन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और दूसरी बात कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है
आज़ादी के आंदोलन को लेकर वो बहुत ज़्यादा है, और एक महाराष्ट्र के यानी मराठी समुदाय को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपनी बात कहिए, आप दूसरे पे क्यों कमेंट करते हैं? और दूसरे पे आप कमेंट करेंगे तो आप सोचिए कि आपकी जो स्वीकार्यता है वो कहीं रुकती है। आप एक समाज को नाराज होकर दूसरे समाज को क्यों खुश करना चाहते हैं? तो आज आप अगर सावरकर का नाम नहीं लेते तो अच्छा था, उससे आपका इशू डाइवर्ट हो गया। सावरकर का जैसे आपने नाम लिया तो जो कुछ जिन लोगों के आपके प्रति सिंपैथी थी वो सिंपैथी चली जाएगी। तो आज इन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि सावरकर समझे हैं क्या, ये राहुल गांधी है। तो अब सरकार इस पे बातचीत करेगी, दिल्ली पुलिस आगे बातचीत करेगी, और इसमें क्या कानूनी पहलू है अगर वो नाम नहीं बताते। हालांकि उन्होंने 4 पन्ने का नोट दिया है और उसमें उन्होंने शायद ऐसा कहा है कि लाखों की भीड़ में लोग मिलते हैं और किसी का नाम पता नहीं पूछा जाता है, लोग आते हैं जाते हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने सार्वजनिक की। तो देखते हैं उसमें आगे कानूनी क्या पहलू है, क्योंकि कांग्रेस के जो वकील हैं, कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं, वो भी अब इसमें अपना वो करेंगे, वो भी इसका कानूनी पहलू देखेंगे कि उन्होंने वो किस उसमें हैं, किस स्थिति में हैं, क्या वो इसको डिफेंड करेंगे या अभी तो दिल्ली पुलिस का वो देखा जाएगा। और उसके बाद जो युवा कांग्रेस है उन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेशन किया, और वही अडानी को लेकर कि जो ये राहुल गांधी बोल रहे हैं बार बार, अडानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उनको डराने की धमकाने की कोशिश हो रही है। खैर ये पॉलिटिकल इशू भी है तो इसको आप देखते हैं ये आगे कहाँ तक खींचेगा। दोस्तों दूसरी आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि खालिस्तान का जो आंदोलन था और केपीएस गिल एवं उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने कितनी मुश्किल से इस आतंकवाद को कुचला था और पंजाब में शांति स्थापित की थी। अब एक अमृतपाल नाम का आदमी वो फिर हंगामा कर रहा है। इससे पहले एक और आदमी ने हंगामा किया था लेकिन वो अभी उसकी डेथ हो गई है। तो अब अमृतपाल ने जिस तरह से जहर बो रहा है सिखों के अंदर और युवा पीढ़ी के अंदर, उससे पुलिस ने वारंट इशू किया, उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह धरपकड़ जारी है, लेकिन वो फरार है। उसके साथ के करीबन 78 लोगों को पकड़ा जा चुका है और अवैध हथियार रखने और पुलिस अवरोधक तोड़ने के मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की हैं उसके खिलाफ, और इंटरनेट की सेवाएं पंजाब में बंद की हुई हैं। सुरक्षा बलों ने अमृतसर, जालंधर, लुधियाना समेत अनेक राज्यों में छापेमारी की है और अन्य राज्यों की पुलिसों को भी जो अन्य राज्यों की पुलिस है उनको भी अलर्ट जारी किया कि अगर आपको यहाँ ये दिख जाए तो उसको इसको पकड़ कर लाना है। अब इसमें जो लुधियाना में कुछ समर्थक थे वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया तो उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन मित्रों ये जो मामला है ये बहुत खतरनाक मामला है, क्योंकि जो हमारा सिख समुदाय है बहुत ही सेंसिटिव है और राष्ट्रभक्त है, सिखों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो कुछ युवा लोग होते हैं जो इनकी बातों में बहक जाते हैं, उनको संभालना हम सबकी पूरे सबकी जिम्मेदारी है कि ये अमृतपाल कहीं उनके दिमाग को वॉश ना कर दे, उनमें जहर ना बो दे, उनको दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। तो इसलिए इसको इस केस को बहुत ही सहजता से और बहुत ही सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा। आज मित्रों ये भी खबर आई है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले 129 दिनों में 1,000 नए मामले आए हैं और एक नया वेरिएंट और आया है। इसमें महाराष्ट्र और राजस्थान में एक एक आदमी की आज मौत हुई है और एक नया वेरिएंट आया है XBB.1.16, ये कोविड का। तो इससे भी बच के रहना है, मास्क पहनना है, दूरी का पालन करना है। आज UGC को 30 करोड़ रुपये मिले हैं तो छात्रों की फीस वापस करेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिल्ली विश्वविद्यालयों से करीब 17 करोड़ रुपए सहित देश भर के विश्वविद्यालयों से लगभग 30 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसका इस्तेमाल 22-23
एकादमिक सत्र के दौरान दाखिला रद्द कराने या विश्वविद्यालय बदलने वाले छात्रों की फीस वापस करने के लिए किया जाएगा। ये बड़ा अच्छा पहल है। और जो ये जगदीश कुमार हैं यूजीसी चेयरमैन, ये बड़े इनोवेटिव काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आज मित्रों एक खबर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री 6 वर्ष पूरा नहीं कर पाया है, 5 वर्ष बड़ी मुश्किल से पूरे किए हैं। तो लगातार दूसरी बार सीएम बनना एक रिकॉर्ड था, और अब चूंकि रिकॉर्ड तो 10 साल तक बने गए, तो 6 साल उनके पूरे हो गए हैं। आज उन्होंने अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन किए, और ये भी उनका रिकॉर्ड है कि वो पिछले 6 सालों में 100 बार रामलला के दर्शन करने गए हैं। तो आपको याद होगा कि जब अयोध्या आंदोलन चला था, और ये 1972-73 से ही महंत अवैधनाथ जी ने, जो जिन लोगों ने ये शुरू किया था, उसमें महंत अवैधनाथ जी थे, और उसमें एक से एक संत और लोग थे। बाद में इसको वीएचपी या आरएसएस में जुड़ गया था। तो फिर ये अब जाके वो आंदोलन सफल हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और अगले साल यानी इस साल दिसंबर तक वो पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, यानी जनता रामलला के दर्शन कर सकती है। शत्रु संपत्ति बेचकर 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी सरकार। पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है, और इन संपत्तियों से निपटने के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्तियों को खाली कराने और उनकी बिक्री की प्रक्रिया शुरू करने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। और जो पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेकर चले गए हैं, उसमें देश में कुल 12,611 शत्रु संपत्ति हैं। इनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपये है। तो इसको बेचकर सरकार पैसा कमाएगी। और अब पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमरान खान पर आतंकवाद का मामला दर्ज हो गया है, उसके लिए और मुश्किलें बढ़ गई है, उसके पीछे वहाँ की सरकार पड़ी हुई है। किसी भी तरह से एक बार वो जेल चला जाए तो फिर पता नहीं कि वो जिंदा बच के वापस आएगा भी नहीं, बड़ा कठिन है। मित्रों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है बहुत शानदार है, बहुत ही फूल प्रूफ है, और एक जज की नियुक्ति में बड़ी लंबी प्रक्रिया है। उसको हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको एलिवेट करते हैं, और एलिवेट करने से पहले यानी कॉलेजियम में लाने से पहले कॉलेजियम तो उसे स्क्रूटनी करता ही है। मुख्यमंत्री के पास भेजा जाता है, गवर्नर के पास भेजा जाता है, फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट में नाम आता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर न्याय मंत्रालय भेजती है, फिर वहाँ स्क्रूटनी होती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही छानबीन करके, बहुत ही ठोक पीट कर जजों की नियुक्ति होती है। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो एक इंटीग्रिटी देखी जाती है, उनकी काबिलियत देखी जाती है, और उनकी विविधता देखी जाती है, और तीसरा जनसंख्या जो हमारी हिंदुस्तान का करेक्टर है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, तो इन सबको, इस सबको भी देखना पड़ता है, महिलाएं भी हैं, कि प्रेजेंटेशन सबको मिला कि नहीं मिला। तो बहुत सारे कंसिडरेशन है, इनको देखना पड़ता है। तो और एक और मामला फिर इसी को रिलेटेड है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि कॉलेजियम फुल प्रूफ है और सरकार चाहती है कि कॉलेजियम ख़त्म हो, उसके जगह एक नया सिस्टम हो, तो फिर जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने आज किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ जज जो रिटायर्ड जज हैं वो देश विरोधी काम कर रहे हैं और विपक्ष की तरह भूमिका निभा रहे हैं, उनको देखा जाएगा, वो भी भुगतने को तैयार हैं, उस तरह से उन्होंने धमकी दी। हालांकि इस तरह की धमकियां खतरनाक होती हैं, इसी धमकी के चक्कर में इमरान खान जेल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। इमरान खान ने भी एक जज को धमकी दी थी, तो आज वो सब लोग इकट्ठे हो गए और बेचारे की उसकी जान आफत में पड़ी हुई है। तो किरण रिजिजू को भी इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। और इसके अलावा मित्र तो एक दिल्ली की खबर है कि जो दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, ईडी की जेल में। तो उनको घर खाली करने का आदेश दे दिया था, और उसके बाद आज कहा गया कि उनके परिवार वालों को कि 5 दिन के अंदर सरकारी बंगला खाली कर दें। तो लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि इतना जल्दी, यानी अभी जेल में 1 महीना भी नहीं हुआ है मनीष सिसोदिया को,
15-20 दिन में ही पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ दिया, और जो वो नंबर दो की हैसियत में थे, उस नंबर दो की हैसियत से क्या वो एकदम इतने गिर गए, उनको गिरा दिया गया कि उनको सरकारी मकान तुरंत खाली करा दिया गया उनके परिवार वालों को वहाँ से भगाने के लिए। जबकि एक सिस्टम होता है, वो भी एमएलए तो रहेंगे ही, तो उनको एमएलए का पहले घर अलॉट होना चाहिए था, और उसके बाद तब वो ये इस मकान को अलॉट करने चाहिए थे, या उनको इस तरह से धमकी नहीं देनी चाहिए कि मकान खाली करो। तो इसके अलावा बाकी कल से जो बजट सत्र का अगला हफ्ता है वो कल से शुरू होगा। पिछला एक हफ्ता पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया और अपोजिशन ने नहीं चलने दिया, तो कल से उम्मीद करें, हालांकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से राहुल गांधी के घर पहुंची है कि अब ये हाउस को चलने देंगे। हालांकि कल राहुल गांधी केरल जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी मुझे नहीं लगता कि अब लोकसभा राज्यसभा को चलने देगी। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आईएसआई एजेंट है अमृतपाल, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी लगता है कि ये आदमी खतरनाक है। आज टीम ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को बुरी तरह से रौंद दिया है, मतलब बेइज्जती कर दिया, अब बहुत ही अपमानजनक हार हुई है। जो हमारी टीम थी वो 11 ओवर में 117 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया ने इन्होंने केवल 117 रन बनाए, और ऑस्ट्रेलिया ने महज 11 ओवर में बिना विकेट खोए 121 रन बना दिए। इतनी शर्मनाक हार, वैसे इससे पहले भी हुई है पर ये बहुत ही शर्मनाक हार हुई है, और कोई खेल ही नहीं पाया। देखिए रोहित शर्मा ने केवल 13 रन बनाए, और शुभमन गिल जो स्टार बन रहा था उसने 0, दो बार 0 बना दिया उसने। सूर्य कुमार ने भी दो बार 0 बनाए। विराट कोहली केवल 31 रन बना पाए, और केएल राहुल जो पिछली बार उसने अच्छे रन मारे थे और इस बार केवल 9 रन ही बना पाए, और हार्दिक पांड्या ने 1 रन मारा, रविंद्र जडेजा ने 16 रन, अक्षर पटेल ने 29 और कुलदीप चहल ने 4 रन बनाए। तो इस तरह से कि विराट कोहली 31 रन बनाए उनका हाईएस्ट स्कोर था, बाकी कोई टीम केवल 1 29 रन बनाए थे रविंद्र जडेजा ने, तो उसके उसके अलावा और कोई नहीं बना पाया। तो मित्रों आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।